स्वामी जी कहिए, अब आप हमें सच सच बताएंगे? पूछिए। नथ की चोरी के लिए हमने जॉन का पीछा किया था, उसने चोरी नहीं की। ओके, हमने जॉन का पीछा किया क्योंकि उसने नथ नहीं चुराई। जी। वो मंदिर में आया। जी। आपसे मिला। जी। जॉन कहाँ है? मैंने जॉन पर विभूति छिड़की, शक्ति मंत्र का जाप किया और जॉन छोटा हो गया, इतना सा। मैं दूसरे एंगल से आता हूं। हमने जॉन का पीछा नहीं किया, जॉन ने हमारा पीछा किया। क्यों? ये दूसरा एंगल है। हम जॉन से छूटकर भाग रहे हैं। ये बेवकूफ जॉन इतना तेज तेज भागता है कि पुलिस से भी आगे निकल जाता है। और अब पुलिस जॉन के पीछे पीछे तो भागते भागते मंदिर पहुंचता है और वहां आपसे मिलता है। तो स्वामी जी, जॉन कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना, मैंने जॉन पर विभूति छिड़की, मंत्र जपा और जॉन छोटा हो गया, इतना सा। सर, मैं दूसरे रूप में ट्राई करूं? हम जॉन का पीछा कर रहे थे, जॉन भागा मंदिर के अंदर, आपसे मिला। मैंने विभूति छिड़की। हाँ हाँ हाँ, हमें सब पता है स्वामी जी। आपने मंत्र पढ़ा, विभूति छिड़की और जॉन को छोटा बना दिया। अरे अबे क्या? मैं दूसरा एंगल ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ, अगर इस मंत्र में इतनी शक्ति है तो हमारे इंस्पेक्टर को भी छोटा बना के दिखाइए ना। हेलो 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 मैडम, इधर आइए। कहाँ जा रही हैं? मुझे स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी से क्यों? एक छोटी सी रिक। फिर छोटी, ये छोटे शब्द से मुझे सख्त नफरत है। आप इसे बड़ा क्यों नहीं कर देती? बड़ी रिक्वेस्ट कीजिए मैडम, बड़ी। साहब, इन्हें कहने तो दीजिए, आप खामखा छोटी सी बात को बड़ा कर रहे हैं। ओह शट अप, फिर छोटा बड़ा। बताइए आपको काम क्या है? मैं उनकी भक्त हूँ। मैडम, मिस आइए, यहाँ आइए। आपका बैग, सिक्योरिटी यूसी, आपका फोन, थैंक यू। ओम ओम ओम। स्वामी जी, मैंने तुमको पहचाना नहीं। स्वामी जी, या हेलो, पहचाना मुझे? जॉन, कैसे हो तुम? अरे मैं इंस्पेक्टर को बताता हूं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। नो इंस्पेक्टर, पहले मुझे ठीक कीजिए। ये तो नथ के मिलने के बाद ही हो सकता है। तो आपकी शक्तियों का क्या हुआ? अब हम क्या करें? प्रार्थना। साहब, मुझे ये स्वामी जी कुछ ठीक नहीं लगते। अभी तो यहाँ है। नहीं साहब, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके चेहरे और आंखों को देखकर बात करते हैं, है ना? हाँ तो। मगर ये स्वामी जी, उनकी आंखें तो कहीं और ही टिकी हुई हैं। वो लड़की को तो देख ही नहीं रहे। अबे, ऐसे लोगों की आंखें हर तरफ होती हैं। वो ना देखते हुए भी देख सकते हैं बेवकूफ। ए, तू इन स्वामी जी से पंगा मत ले यार, फंस जाएगा। साहब, मैं तो कहता हूं ये जॉन को छोटा करने वाली बात एकदम झूठ है। गप है हुजूर, गप है। तुझे कैसे पता? अगर सच होता तो वो आपको छोटा क्यों नहीं बना सके, बोलिए। अबे साले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? फोन। हेलो। हाँ हेलो, मैं वाणी से बात कर सकता हूँ? A1 पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? मैं DIG कुमार। सर,
अच्छा तुम इस सेल पर क्या कर रहे हो? सर मैं ही तो इस सेल का इंचार्ज हूँ, आप ही ने तो मुझे प्रमोशन दिया है। मैं उस सेल की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम इस सेल फोन पर क्या कर रहे हो? सर एक मैडम आई है स्वामी जी से मिलने के लिए, ये फोन उन्हीं का है। नथ के मिलने से पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नथ को तो किसी ने चुरा लिया है। नहीं नहीं, नथ को कोई चुरा ही नहीं सकता, वो वहीं कहीं है मंदिर के एक बांबी में, और उसे केवल तुम ही ढूंढ सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें उसे ढूंढना होगा, जाओ ढूंढो। थैंक यू स्वामी जी। एक मिनट, कुछ बताना था तुम्हें, याद नहीं आ रहा है। सब कुछ तो बता दिया है ना, नथ को ढूंढना है, आपको बाहर निकालना है, जॉन को बड़ा करना है, और हाँ याद आया, तुम्हें सूर्यास्त के शुरू होने से पहले माँ देवी की नथ को ढूंढना पड़ेगा। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो जॉन जिंदगी भर के लिए यूं ही रह जाएगा छोटा। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर विजय। सर गुड मॉर्निंग सर। तुमने इस लड़की को पहले कहीं देखा है? हाँ सर, एक घंटा पहले यहाँ आई थी। सो झूठ है? हाँ झूठ है। अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर विजय, ये मैडम यहाँ क्यों आई थी? स्वामी जी से मिलने। तो ये भी झूठ है? हाँ ये भी झूठ है। वानी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, ये तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं नहीं साहब, मेरा मतलब है कि ये झूठ है कि मैंने कहा कि ये झूठ बोल रही है। इनफ इंस्पेक्टर विजय, देखो वानी ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, मेरे पास सबूत है कि तुम कुछ देर पहले इधर स्वामी जी से मिलने आई थी। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें सेलफोन पे ट्राई किया, जवाब दिया इंस्पेक्टर विजय ने। वाह क्या पॉइंट पकड़ा साहब, देखिए ये फोन अब भी मेरे पास है। ओह गॉड, मेरा फोन तो चोरी हो गया था। आपके पास? कुमार मैं इस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। ओह सर ये मैडम राय का पहाड़ बना रहे साहब। चलो स्वामी जी से पूछते हैं। अरे उन्हें रहने दीजिए हुजूर, वो तो पहाड़ को ही राय बना देंगे। सवाल करते हैं मैडम। सर सर मेरी बात सुनिए। स्वामी जी। जी कहिए। क्या कोई एक घंटा भर पहले ही आपसे मिलने आई थी? जी मिलने आई थी। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरा काम तो सत्य की रक्षा करना है। फिर मैं यहाँ क्यों आऊंगी? तुम यहाँ जॉन के साथ आई थी। जॉन? जॉन? जॉन यहाँ आया था? इंस्पेक्टर तुमने जॉन को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये झूठ है सर। क्या झूठ है? जॉन यहाँ आया था वो झूठ है सर। इसका मतलब मैं यहाँ आई थी वो भी झूठ है? ये सच है हुजूर, मैडम यहाँ आई थी मैंने खुद देखा। फिर आपने जॉन को कैसे नहीं देखा? ओ, इंस्पेक्टर जॉन को नहीं देख सकते थे क्योंकि जॉन उस वक्त छुपा था वानी की कोट की जेब में। तो ऐसे बोलो ना। क्या कहा? जॉन मैडम की जेब में? सर ये झूठ है साहब। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए आप सिर्फ ये बताइए कि जॉन कहाँ है।